जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवार पढ़ी है बेशक सलवार ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राजी करने के लिए सलवार पढ़ी है बुलंद आवाज से सलवार। एक इतनी बुलंद आवाज से सलवार पढ़ी जितनी बादशाह अली ने आपके वजूद में ताकत रखी। जितने मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीहाई करबला का वास्ता मालिक शिफाई को नियत फरमा। तमाम लोगों की आखिरी दुआ, मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी वारिस हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजी फरमा। सलवात सारे मिलके बरन तबास पर कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो उससे बुलंद सलवात करो। इजाजत है कि मैं बात करूं? इजाजत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सारी विलायत रहमत में नफ्स मुतमईना की दहलीज से जिब्रील पे सजदा ये हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है के मुतकिन सबरे सैयदा की सुन्नत को पर्दे गैबत में तमाम करी और अपने जनुल्लाही दस्त कुदरत में जुल्फिकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली हो जाए। अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली हो जाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त की नौकरी के लिए हाजिर हूँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, कोई 10 मिनट की हाजिरी है, उसके बाद मैं आपको सलाम करूँ। वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसी जुमले में मुझे मुदस्सर भाई पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ना है। वक्त बड़ा मुख्तसर है मान साहब, और जिक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जो कायनात में रिज़्क़ तकसीम करने के बाद अपना दस्तरखान छटकता है तो नबियों के कशकोल भर जाती है। निशान अल्लाह के जिक्र में बोलने वाली जुबान सलामत रहे और यकीन सलामत रही, क्योंकि इन जुबानों ने उस दरवाजे से मिट्टी चाटी है जिस दरवाजे की दहलीज के पीछे बसने वाले जब चाहे मौत को जिंदगी में बदल सकती है। तो मैं जितनी देर भी मेंबर की बारगाह में हाजिर हूँ, कोई भी बंदा मेरी उम्र को देख के मेरी बात को वजन नहीं करेगा, क्योंकि जिस घर में मैं खड़ा हूँ उस घर में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। ना चार मिसरे बिल्कुल नए, चार मिसरे लिखे, चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान में जहाँ भी मैंने पढ़े हैं भजन मुझे कीमत मिली है, मुरीद के का अपना मयार है। पहला मिसरा मैं तुम्हारे हवाले करूँ तो मैं जनाब सैयदा का वास्ता, मेरा हक बनता हूँ, मुझे जरूर देना। मैं कहूँ हमारी सोचों में जहरत का चैन बाकी है, जब बंदे शायरी से लगाओ रखते यार शाहरुख खान, मैं कहूँ हमारी सोचों में जहरत का चैन बाकी है, हमारी सोचों में जहरत का चैन बाकी है। जरूरी नहीं बंदा एक घंटा पढ़े फिर बंदा बड़ा जाके रोते, मैं कहूँ हमारी सोचों में जहरत का चैन बाकी है। नजर नजर में शहे मशरकैन बाकी है, नजर नजर में शहे मशरकैन। मैंने चार पांच साल के मेंबर पे बैठ के सुने हैं, मैं चौथा मिसरा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मेरा हक बनता हुआ रखना नहीं, ना बने बोलना नहीं। मैं कहूँ हमारी सोचों में जहरत का चैन बाकी है, नजर नजर में शहे मशरकैन बाकी है, नजर नजर में जितने बंदे यहाँ मौजूद हो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लफ्जों को इतनी ख्याल अदा कीजिएगा कि वो आपकी समाधों में बैठे हुए बेरुखी के दरबार से नजर बचा के आपके विलायत अली से बचे हुए दिल के चौक किलों पे विलायत अमीर के दस्तखत कर सके। लेकिन हमारी सोच में जहरा का चैन बाकी है, नजर नजर
जनाब के ओवर के साबित किया है मौला ने, यजीद मर गया लेकिन हुसैन है। बाकी है जितने बंदों की तवज्जो हो गई है दा तकरीबन सबने दिया, लेकिन अंगद जी एक बंदा नहीं बोल सका। मैं चार मिसरे उसके लिए पढ़ने लगूं और पहला मिसरा बड़ा खूबसूरत मैं आपके हवाले करने लगूं। अगर हम नजात पा गया फुतरस करम हुसैन का है, बोले आगे बोले नजात पा गया फुतरस। अब ये दांत का मैार आपने खुद सेट किया है, इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर चले जाना। मैं करूँ नजात पा गया फुतरस करम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है, अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। और नमाज के घमंड में आके अजारी पे फतवे लगाने वालों, बातों पे फतवे लगाने वालों, चौथा मिसरे मेरे सुनो और फैसला आपने करना। मैं करूँ नजात अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। अभी जमीन पे आपसे ज्यादा बंदे नेट पे देख रहे हैं और वो यही देख रहे हैं कि रिजवान मेहदी क्या तीर मारने वाले हैं। चौथे मिसरे पे आपने मेरी अभी इज्जत रख दी है, फुतरस कदम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है और निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से नमाज पढ़ता है, ये भी कदम हुसैन का। क्या कहने भाई सैयद आपको सलामत। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है, नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। दो किताब मैंने और पढ़ लिया और मैंने आपको सलाम कर दिया। जल्द है छह मिसरे और पढ़ो। बिल्कुल नहीं, मैं छह मिसरे पढ़ने लगूंगा। यजीद नक्शे जोर और जफा बनाता है इस सिराते इश्क, इस यादगार गदीर, इस मंजिल कबूलियत पर। जितने बंदे यहां मौजूद हो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, जितनी दाद भाई जान आपने पहले दो कतार पे दिए उससे बड़ी मैं बात कर रहा हूं। मगर यजीद नक्शे जोर जफा बनाता है, हुसैन इसमें खते करबला बनाता है। क्या कहने भाई, क्या कहने सैयदा सलामत रखे। मगर यजीद नक्शे जोर जफा बनाता है, हुसैन इसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसम सिया का लाए लाए मरद, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। मैंने जहां पढ़े मुझे कीमत मिली है। छठे मिसरे में कोई बंदा चुप कर गया तो मैं जनाबे सैयदा से उसकी शिकायत करूंगा। मगर यजीद नक्शे जोर जफा बनाता है, हुसैन इसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसम सिया का लाए लाए मरद, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। जो बंदा कैमरे में इजाजत है छह मिसरे पढ़ू। सैयद आवाज़ में मान दिया, जो तू